हे एवरीवन जोहर तोहनी मन सब जन के तोहनी मन सब कोई कैसे ना आशा करूं तोहनी मन सब कोई अच्छा तोहनी मन के दुआओं से हमने भी बहुत अच्छा ही। और आजकल ब्लॉग में मैं तोहनी मन कर संगे शेयर करे कर लगी ना हूँ मड़ुआ कर रोटी, इंग्लिश में कहें फिंगर मिलेट, हिंदी में कहें रागी और सादरी में करिया आटा भी कहना मड़ुआ। तो ब्लॉग में बन ले रहा और मड़ुआ का रोटी देखते रहा बा। ये आटा स्पेशली रांची से आ है, हमने कर हिया कर एक ठो मैया है वो रांची में शादी हुई है तो आए रहे मेहमान घूमे कर लगे इन तो रांची से ये आटा के आइंदे है। तो रोटी बनाए कर लगे इन गमला में मोए 3 पुआ जैसा आटा ले लो और गर्म पानी ले लो और यहाँ स्वाद अनुसार नमक लगा थो। नमक लगाए कर बाद में बहुत कोई नमक से कल खाए ना लेकिन मैं चीनी लगा था छुआ मन नहाए तो चीनी पसंद करवाएँ कह के हिसाब से चीनी भी लगा ले थो। तो उन्हीं कर मर्जी के तो उन्हें क्या अगर चीनी पसंद ना के तो उन्हें नमक से खाए खोजल हो नमक से भी बना सका ला और नमक और चीनी लगाए के दुयो के मिक्स कर ले थो। छुआ मन भी यही ठीक नहाए और अच्छे से मिक्स करे कर बाद में गर्म पानी के ले के यहाँ ढल ढल के धीरे धीरे अला करे का है। यहाँ गर्म पानी में एक ठो बाउल में ले ले हो और पानी के लगाए के एक बेर में मैं पूरा पानी नहीं लगा लो आधा आधा लगाए के साइन साइन के ऊपर बाद में और मैं गर्म पानी से करो रहो तो मुझे बहुत जोर गर्म लगत रहे हाथ में बहुत सेकोत रहे हाथ से करो रहो ऊपर बाद में आस्ते आस्ते पानी लगाए करे का है। हाथ से करो तो ऊपर बाद में चम्मच से कर लो काले कि बहुत ज़्यादा गर्म रहे और एक बार में पानी के नहीं लगावा नहीं तो पता नहीं चल कभी बहुत ज़्यादा गीला हो जाए बोले पतला हो जाए घोल को होले अच्छा नहीं हुई से कर लगिन। तो ऐसे इतना मन हो चाहिए घोला के मैं पूरा पानी लगा के हाथे से मिक्स करो तो हाथ से मिक्स करवे हो अंदाज अच्छा से हो से कारण से तो वो कंसिस्टेंसी में हो चाहिए घोल को मड़वा कर और ई ताई है के ताई में नहीं नीचे में मैं माटी के छाइब ले थो माटी के लगावे होले का होल कि चूल्हा में बनाऊँ तो कोने में बनाऊँ गैस में बनाऊँ या चूल्हा में तो नहीं पोड़ेला रोटी अच्छा से अला सीझेला से कारण से नीचे माटी छाइब ले हो और उके चूल्हा में पकाऊँ और ताई के ऐसे टाइप कर हुई लगाए कर बाद में माटी और चूल्हा में करके रोटी के पकाबू मैं। तो घोल के चूल्हा घोल के बनाए कर लगिन बनाए कर बाद में रोटी बनाए कर लगिन एक ठो बाउल कर हेल्प कर संगे कढ़ाई में पहले तेल लगाए के लगी कढ़ाई गर्म हो गलक कढ़ाई गर्म हो गलक तो हियाँ सरसों का तेल कर उपयोग कर हो मैं। तो हमने चाहबा तो घी से जेमन घी पसंद करा घी से कर सकाल सादा तेल से भी कर सकाल मैं यहाँ सरसों तेल कर उपयोग कर हो और पलटना से एक सोप दाने अच्छा से मिक्स कर लेक लगी तेल के ताकि रोटी नहीं लटकी और ऐसा रोटी मन बनाए कर लगी इन फर्स्ट रोटी तनिक अच्छा से नहीं है बनेला तो तेल के सोप बटे फेरा लेकर कर बाद में मैं खान घोल के लगाबू और लगाए कर बाद में सावधानी से फेरा खोएला और फर्स्ट रोटी तनी बहुत ख़राब हो जाएला लेकिन कोशिश कर रो कार्य कर लगिन तो रोटी अच्छा बन रहे छुआ मन खाए के खुश हो गया मोर बेटा तो 3 ठो रोटी खाए दिलक और ऐसा करके उके मैं ढाँक के रख देबू ताकि अच्छा से सीझ जाए रोटी को और ढाके कर बाद में देखे पड़ी खोल खोल के ढक्कन के कि ठीक से सीझे कि नहीं सीझे सके तो ये मैं ढक्कन लगाए दिलो एखन ढक्कन लगाए कर बाद में तनिक उन्हें इसने छोड़ देबू ऊपर बाद में उठाए के देख लो तो नहीं हुई है होले और ढाप दिलो और एलियाना ऐसे ना बदमाशी करोत रहे तो ऊपर क्लिप्स तनिक उन ले ले लो बोखड़ी भी हो जाए दांत नाखे आगे बटे एक्टिंग करो थे उतने में मोर रोटी हो ही गला ऊके उघराए के देख लो तो हो ही जाए रोटी को एखानी के आस्ते से उल्टाक लगी और ध्यान देख लगी नहीं तो नेके बेर में अथी करल से टूट जाई से लगे आराम से सोप दाने से साइड साइड से आगे खोल लेक लगी पलटना से ओकर बाद में उल्टाए गए हैं। तो मैं फर्स्ट वाला रोटी के इतना अच्छा हुई नहीं सोच रहो लेकिन मोटा मोटी ठीक ही हुई है
इतना बुरा भी नहीं है, साइड में तनी कच्चा कच्चा दिस होते, लेकिन उनको उल्टा पलटाई के बढ़िया से सीझा लग लगी। और इस से भी मैं उल्टा ले लो, और इसने कर कर के सब रोटी के पकाए ले का है। और मड़वा अटा कर इटना मैं हाथ से डीप करके देखो तो रहो कि सीझला कि नहीं सीझे, तो सीझ जा है रोटी बढ़िया से पक जाए। और मड़वा कर आटा में बहुत विटामिन सोयला, स्किन कर लगिन, हेयर कर लगिन भी इकर बहुत सारा उपयोग होयला। तो नहीं मैंने गूगल में जाके देख लेबा, सर्च कर लेबा। और यहाँ मैं फिर से तेल लगाए के फिर से दूसरा रोटी कर लगिन तैयारी करो, तो फिर से यहाँ घोला लगा थो, तो रोटी बढ़िया पैक रहे। मैं तो देरी से भात खाए रोसे, मैं रोटी एक ठो खा लो और सबको यही रोटी खिलाएं। और ये दूसरा वाला बनते हुए दूसरा वाला तनिक तभी अभी तनिक उन फाइट गिला बनाते बनाते, लेकिन बाद में उनको मिला के ढाई देवे वाले रोटी को ठीक है बन जाएगा। तो यही रहे। और सबकर घरे थोड़े बहुत कभी ना कभी मड़वा का रोटी खावे घर है। आजकल तनिक मॉडर्न जमाना में हमने कर बंगाल में आदमी मन खेती तनिक कमती करें, झारखंड दने रांची दने इकर खेती बहुत ज़्यादा हो, इसलिए होने कर आदमी मन खाए ना हमने कर ही नहीं, तो बाजार से कीन के खाए पड़ेला। और बहुत दाम आए यहाँ आटा कर इकर, पहले हमने कर पड़ोस वाला दीदी वो भी जाए रहे रांची से घेरी ले के आए रहे, से घिर पकाए पकाए के देवल होल मोर बेटा करिया रोटी खाल से तगड़ा हो इनकेलर बहुत जोर खाए ला। और उसने ये दूसरा वाला रोटी भी पकते हुए ये भी तैयार हो गया। और चूल्हा में पकाए कर मजा ही कुछ और है, मैं चूल्हा में पकाए कर लगे सोच लो तो अच्छा गरम बहुत जोर गरम है फिर भी अच्छा लग गया। तो दूसरा वाला रोटी भी बन के तैयार हो गया। और रोटी पकते नहीं पकते मोर छुआ मन एकदम खाए के लिए कैसे न होता है। और अब्राहम मिठिन खाए कर लगे तैयार हो गया, उनके चाह और रोटी दे दिलो खाए कर लगे, तो रोटी गरम है खाए के नहीं पा रहे थे, तो माँ खियाए दे कहा थे, हले मैं खियाए दिलो बढ़िया से खा थे, उनके बहुत मजा अलग बहुत मजा ले थे रोटी खाते हुए। मोर सोना बेटा, मोर राजा, मोर प्रिंसू, और फटाफट एकदम खियाओ खियाओ करके तीन ठो रोटी कपा गप खाए लग। तो सांझ घिरी चाह बन रहे जल्दी वाला रोटी पक जा रहे, तो गरम गरम चाह कर संगे खाते उगे बहुत मजा आओ थे। और बहुत बहुत धन्यवाद तोनी मन के, तोनी मन मोर ब्लॉग के देखा ला से कर लगिन, इसने मुके सपोर्ट करवा। बाबू कैसा लगा? हाँ कैसा लगा? टेस्टी। आ रही थी मोर रोटी बन के तैयार। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मोर चैनल के लाइक करवा, शेयर करवा, सब्सक्राइब करवा, और यही लगे देखते रहा। थैंक यू, बाय।